दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ग्राम चैनल को और साथ में उस बेल आइकन को भी दबाइए हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में जो भी ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, जब भी आपका इंटरनेट स्लो चलता है आप सबसे पहले उस ब्राउजर के कैशे एंड कुकीज को डिलीट करते हैं। या तो आप अपने मन से करते हैं या फिर कोई ज्ञानी आदमी आकर आपको बताता है कि अगर आप उस ब्राउजर के कैशे एंड कुकीज को डिलीट करते हैं तो फिर आपका इंटरनेट फास्ट चलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैशे एंड कुकीज क्या होता है? क्या वाकई कैशे एंड कुकीज को डिलीट करने के बाद से आपका इंटरनेट फास्ट चलता है या फिर स्लो हो जाता है? क्या होता है जब आप इन कैशे एंड कुकीज को डिलीट करते हैं? क्या कैशे एंड कुकीज को डिलीट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो फिर सही तरीका क्या है कैशे एंड कुकीज को डिलीट करने का? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल्स में और बहुत ही आसान भाषा में। इसलिए आप इस वीडियो के साथ दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर तो करना ही करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंतखाब और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्राम। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कैशे एंड कुकीज क्या होता है। तो कैशे एंड कुकीज एक तरह का फाइल होता है जिसमें आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री जाकर सेव होता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फोन में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और जब वो वेबसाइट ओपन हो जाता है तो आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल फोन में एक फाइल तैयार होता है जिसमें उस वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन यानी कि ब्राउजिंग हिस्ट्री जाकर सेव होता है, जिसको बोलते हैं कुकीज फाइल। उसी वेबसाइट का दूसरा पार्ट जो होता है, जैसे फोटो हो गया, वीडियो हो गया या फिर आपने उस वेबसाइट पर कोई पासवर्ड डाला है, वो सारा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे फाइल में जाकर सेव होता है जिसको कैशे फाइल बोलते हैं। जब वो वेबसाइट कभी दोबारा आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल फोन में आप ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल फोन में जल्दी से ओपन हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट सबसे पहले आपके कंप्यूटर में कैशे एंड कुकीज फाइल को ढूंढता है। अगर उसको वहां पे मिल जाता है फिर वो वेबसाइट वहां पे जल्दी से ओपन हो जाता है। अगर नहीं मिलता है फिर वहां पे आपने देखा होगा कि लोड होता है और धीरे धीरे जाकर वेबसाइट ओपन होता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल फोन में कैशे एंड कुकीज वहां पे उसको नहीं मिलता है। तो होता क्या है कि जब आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर से या फिर मोबाइल फोन के ब्राउजर से अपने कैशे एंड कुकीज को डिलीट कर देते हैं और तब जाते हैं आप कोई वेबसाइट ओपन करने, तो वहां पे धीरे धीरे इसलिए ओपन होता है क्योंकि वो सर्वर को कनेक्ट करता है और आपके कंप्यूटर में कोई कैशे एंड कुकीज फाइल मिलता नहीं है, उस वेबसाइट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, इसलिए वहां पे टाइम लगता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से या फिर कंप्यूटर से कैशे एंड कुकीज फाइल को डिलीट कर देंगे तो आपका इंटरनेट बहुत ही फास्ट चलने लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर कैशे एंड कुकीज फाइल को डिलीट करना भी है तो आपको महीने में एक बार करना चाहिए। आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल फोन में कैशे एंड कुकीज फाइल को डिलीट करना है तो उसको आप कैसे करेंगे। तो आइए आप देखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में अगर आपको कैशे एंड कुकीज फाइल को डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे। उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मोबाइल फोन के ब्राउजर में करना है तो उसको आप कैसे करेंगे। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। राइट टॉप में तीन डॉट का निशान दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मोर टूल्स पे आना है और यहीं पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा का। आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करना है। ये पेज यहाँ पे ओपन होगा सेटिंग का और उसके साथ एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा का। दोस्तों यहाँ पे बता दूं, क्लियर ब्राउजिंग डेटा के पेज पे आने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट बटन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करेंगे आप यहां क्लियर ब्राउजिंग डेटा के पेज पे आ जाएंगे। यहां पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक में आप ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, कुकीज एंड अदर साइट डेटा को डिलीट कर सकते हैं, कैसे इमेज एंड फाइल को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे टाइम रेंज भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपको लास्ट एक घंटे का डिलीट करना है, 24 घंटे का, 7 दिन का या फिर 4 हफ्ते का या फिर पूरे को डिलीट करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑल टाइम सिलेक्ट करिए और यहाँ सिंपल क्लियर डेटा पे क्लिक कर दीजिए। आप जब यहाँ पे एडवांस पे आएंगे तो बेसिक का सारा ऑप्शन तो होगा ही होगा, उसके साथ आप इसमें डाउनलोड हिस्ट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, पासवर्ड को भी कर सकते हैं, ऑटो फिल फ्रॉम डेटा या फिर साइट सेटिंग, इन सबको आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ सिंपल आपको क्लियर डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद से आपका पूरा ब्राउजिंग हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
ये हो गया क्रोम ब्राउजर में। अगर आप फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो आइए देखते हैं फायरफॉक्स में कैसे डिलीट करेंगे कैसे इन कुकीज को। तो आपको अपना फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करना है, राइट टॉप में आपको तीन माइनस का निशान दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ सेटिंग का लोगो दिखेगा, उसके साथ लिखा हुआ ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। सेटिंग का पेज ओपन होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आना है, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है और यहीं पे आपको मिल जाएगा कुकीज एंड साइट डेटा। यहाँ से सब कुछ, यहाँ से क्लियर डेटा का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप सब कुछ यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ चेक मार्क कर सकते हैं, डिलीट कुकीज एंड साइट डेटा व्हेन फायरफॉक्स इज क्लोज। आप अगर इसको इनेबल कर देते हैं तो जब भी अपना फायरफॉक्स ब्राउजर को क्लोज करेंगे ऑटोमेटिक वहां से जो भी कुकीज है वो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना एज ब्राउजर यहाँ पे ओपन करिए, राइट टॉप में देखिए तीन डॉट का निशान दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करिए। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ नीचे से तीसरा आपको दिख जाएगा सेटिंग्स का ऑप्शन, आप यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करिए। सेटिंग का ये जो पेज ओपन होगा यहीं पे आपको प्राइवेसी एंड सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करिए। एक बार स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाइए, देखिए यहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चूज व्हाट टू क्लियर, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम रेंज दे सकते हैं जैसे आप क्रोम ब्राउजर में वहां पे था, और उसके बाद से यहाँ क्लियर नाउ पे क्लिक करके अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगर आप अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर्स के कैसे इन कुकीज को डिलीट करना चाहते हैं, मीन्स ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों अपने मोबाइल ब्राउजर के ब्राउजिंग हिस्ट्री यानी कि कैसे इन कुकीज को डिलीट करने के लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर यहां पे ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर में राइट टॉप में आपको तीन डॉट का निशान दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है आपको। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है, एडवांस के अंदर आपको प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। यहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा, आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। सेम जैसे आप कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर में कर रहे थे, बेसिक और एडवांस का ऑप्शन दिया है। टाइम रेंज आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम रेंज सिलेक्ट करने के बाद से आप यहां पे सिंपल आपको यहां क्लियर डेटा पे क्लिक करना है। आपका आपके मोबाइल ब्राउजर का पूरा ब्राउजिंग हिस्ट्री यहां से कैशे एंड कुकीज सब कुछ यहां से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए। मैं हर वीडियो में आपको वीडियो को लाइक करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि जब कभी आप कोई वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है और आप उस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो YouTube को ये पता चलता है कि इस वीडियो में कुछ न कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन है और YouTube उस वीडियो को आगे बढ़ाता है। तो जब भी आपको कोई वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर इसलिए करिए क्योंकि वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।